6 दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हिंदू संगठनों के लिए ये दिन शौर्य दिवस है तो वहीं मुसलमान इसे काला दिवस के तौर पर मनाते हैं। यही वो दिन था जब कार सेवकों और राम भक्तों ने मिलकर विवादित ढांचे को जमींदोज कर दिया था। आरोप है कि इन घटनाओं के पीछे जिस अहम व्यक्ति का समर्थन था वो है कल्याण सिंह। 6 दिसंबर 1992 की दोपहर कल्याण सिंह अपने घर 5 कालिदास मार्ग पर अपने दो सहयोगियों लालजी टंडन और ओम प्रकाश सिंह के साथ गंभीर होकर टेलीविजन पर समाचार देख रहे थे। वहीं अयोध्या में कार सेवकों का हुजूम आहिस्ता आहिस्ता विवादित ढांचे की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, लेकिन राम भक्तों का मिजाज उस दिन कुछ और ही था। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों और विवादित ढांचे के बीच कार सेवकों ने घेरा बना दिया था ताकि पुलिस बल विवादित ढांचे को जमींदोज करने के बीच में ना आ सके। उस समय के प्रधान सचिव योगेंद्र नारायण ने एक पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो घटना के समय मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। अचानक सब ने टेलीविजन पर देखा कि कई कार सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए और कुदालों से उसे तोड़ने लगे। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन महानिदेशक SM त्रिपाठी भागते हुए आए और उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से तुरंत मिलने की अनुमति मांगी। उनके संदेश को अंदर भिजवाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें भोजन समाप्त होने तक इंतजार करने के लिए कहा। भोजन खत्म होने के बाद SM त्रिपाठी की मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई गई। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात होते ही SM त्रिपाठी ने उनसे कार सेवकों पर गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन कल्याण सिंह ने मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक कल्याण सिंह ने SM त्रिपाठी से पूछा कि अगर गोलियां चलेंगी तो क्या बहुत से कार सेवक मारे जाएंगे। SM त्रिपाठी ने जवाब में हाँ कहा। त्रिपाठी के जवाब के बाद कल्याण सिंह ने उन्हें गोली चलाने की अनुमति नहीं दी और उनसे दूसरे माध्यमों का इस्तेमाल कर कानून की रक्षा करने को कहा, जैसे लाठीचार्ज या आंसू गैस। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, विवादित बाबरी ढांचा मिट्टी में मिल गया था। इस घटना के बाद कल्याण सिंह ने एक नोटपैड मंगवाया और उस पर त्यागपत्र लिखकर राज्यपाल को सौंपने चले गए। आज भी कल्याण सिंह पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने जानबूझकर पुलिस के हाथ बांध दिए थे ताकि बाबरी ढांचा जमींदोज किया जा सके। कल्याण सिंह फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर UP तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।